आज 24 ठाणा चर्चा मुनि श्री प्रशांत सागर जी का लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसको अपन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे आप लोगों के पास में ये पुस्तक नहीं होगी, फिर भी अपने लिए इसका आधार लेकर के अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें गौमटसार जीवकांड में कुछ गाथाओं के आधार पर 24 जो स्थान होते हैं उनमें अपन जीव के लिए जो किन किन मार्गणाओं में किन किन गुणस्थानों में किस प्रकार से रहता है उसका जो है यहाँ पर दर्शन करेंगे। जो 24 ठाणा ग्रंथ है इसके अध्ययन करने के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से अपन लोक के बारे में परिचित होते हैं, कितने प्रकार के जीव होते हैं, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से वो मरण करके कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये सब जो है वर्णन इस 24 ठाणा के अंतर्गत आता है। तो इसके माध्यम से अपने लिए इतने सारे स्थानों को अपन पार करके इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। तो इसके माध्यम से जहाँ पर रत्नत्र आदि का भी अपन पारायण कर सकते हैं, यदि अपने इस अवस्था का लाभ नहीं उठाया तो फिर अपने हाथ में आई हुई अमूल्य निधि छूट सकती है। तो इसलिए इस 24 ठाणा का जो अध्ययन है वो अपने लिए आगे के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आवश्यक है। इसमें जो गाथाएं हैं पहले अपन उसका पाठ कर लेते हैं। गई इंदिये चकाए जोए वे कसाए नाणीय संयम दंशन लिस्सा भविया सम्मत सन्निया हारे गुण जीवा पज्जते पाणा सन्नाए मग्गणा ओये उगो गोविय कमसो भी संतु परुवणा भणिया झाणा विय पच्छा विय जाई कुल कोड़ी संजुया सवे गहना तिजैन भणिया कमेण 24 ठाणाणी। हाँ, इस गाथा में जो है 24 स्थानों के नाम बतलाए हैं। इन तीन गाथाओं हैं, इनको आप याद कर सकते हो, और एक बार याद हो जाएंगी तो क्या रहेगा, जब याद कोई चीज़ हो जाती है तो वो अपनी निधि हो जाती है। कंठस्थ विद्या, यदि कंठस्थ है तो आप कहीं भी हो, लेटे भी हो बिस्तर पे, तो आप उसको जो है अपने उसमें स्मरण में ला सकते हो। जैसे कहते हैं कंठस्थ विद्या और अंठस्थ धनम, कोई कहे कि हमारे पास में लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो कोई व्यापार जहाँ पर कुछ करना है उसको खरीदना है वहाँ पर, वो कहता है हमारे घर में इतने इतने, के भैया आप तो सामने बताओ कितने हैं, आपकी अंटी में कितने हैं, तो सामने सामने का धन जो है वो काम में आता है। तो ऐसे ही कंठस्थ जो होता है वो अपने लिए अपनी निधि हो जाता है। तो इन तीन गाथाओं को आप याद रख लो, उसके माध्यम से अपन अभी जो आगे पढ़ेंगे उनका आप जब प्रयोग करोगे तो इसमें इतनी तल्लीनता आती है कि जिसके माध्यम से आपका जो है मन इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे बोलते हैं ध्यान में मन नहीं लगता है, इसको आप लगाने लगोगे, इसको यदि एक बार लगाना सीख जाओगे तो फिर आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। जब हमने इसको पहली बार सीखा था ब्रह्मचारी अवस्था में, तब उस समय में अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका हम बता रहे हैं प्रभाव कि ढाई ढाई घंटे तक बिना आसन को हिलाए हुए कैसे समय निकल जाता था पता नहीं पड़ता था। उत्कृष्ट सामायिक इसके चिंतन में हो जाती थी। तो ये तीन गाथाएं यदि आप याद कर लें, और प्रयास करने से कितना भी उम्र हो जाए, क्योंकि शरीर बूढ़ा होता है आत्मा बूढ़ी नहीं होती, तो ये ध्यान में रख करके अपन प्रयास करो तो याद कर सकते हैं। तो इन गाथाओं में जहाँ पर सबसे पहली गाथा में 24 जो हैं 14 जो हैं मार्गणा दी हैं। मार्गणा क्या कहलाती हैं, मार्गणा अन्वेषण
या गवेषणा, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो जिनमें या जिनके द्वारा जीवों की खोज की जाती है वो मार्गणा कहलाती हैं। तो ये 14 जो है मार्गणा स्थान है। इसके बाद में फिर जो जीव 20 प्ररूपणा, तो उसमें 6 जो हैं और मिला दिए तो वो 20 प्ररूपणा हो गई। तो उसमें गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, इनको मिलाने के बाद में और उपयोग, इनको मिला दिया 6 को तो ये पहले 14 थी और 6 मिलकर के ये 20 प्ररूपणा हो गई। फिर इसके बाद में झाणा भी यानी ध्यान, प्रत्यय, प्रत्यय यानी आश्रव के जो प्रत्यय हैं वो, और जाति और कुलकोटि, ये 4 और मिला दिए उसमें तो ये 24 स्थान हो गए। तो इन 24 स्थान को अपन जो है 3 गाथाओं के माध्यम से याद कर लें तो उसके माध्यम से अपन जिनको लगाएंगे तो अपन उसको बिना देखे भी लगा सकते हैं। अब अपन सबसे पहले जो हैं 14 जो मार्गणाएँ होती हैं उनको थोड़ा सा अपन परिचय कर लें। जब तक इनका परिचय अच्छे से नहीं होगा तब तक अपनी आगे गति नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन गति मार्गणा को देखते हैं। गति मार्गणा, एक गति होती है, 4 गतियाँ होती हैं और 4 ही आयु होती हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है, तो आयु जो रहती है जहाँ बंधन की अपेक्षा से आयु की मुख्यता रहती है, यानी जब आयु बंध जाती है तो वो मुख्य कहलाती। गति तो वैसे अपना हमेशा बंद होता रहता है, गति जो है ना नाम कर्म की प्रकृति है, इसका हमेशा बंद होता रहता है, ये मुख्य नहीं होती। लेकिन फिर भी अपन जिसके माध्यम से एक गति से दूसरी गति में जाते हैं या जिसके माध्यम से अपन अपने आप को पहचानते हैं तो वो कहलाती है गति मार्गणा। गम्यते इति गति, जिसके माध्यम से अपन जाने जाते हैं अपने आप को, जो अपन मनुष्य का भाव है तो मनुष्य गति का भाव, ऐसे सब जीवों को अपना अपना जिस जिस गति में होते हैं उसका भाव वहाँ पर उस शरीर के माध्यम से वहाँ उनका वो भाव बना रहता है। तो ये गति मार्गणा हो गई। तो इसमें 4 गतियाँ हैं। तो आयु और गति में क्या अंतर होता है कि आयु जो रहती है वो दिखाई नहीं देती, गति दिखाई देती है। जैसे बल्ब दिखाई देता है, करंट दिखाई नहीं देता, मोटरसाइकिल दिखाई देती है, पेट्रोल दिखाई नहीं देता, चलाने वाला उसको पेट्रोल है लेकिन बाहर का जो है वो दिखाई देता है, जैसे अपना शरीर दिखाई देता है, आयु दिखाई नहीं देती। तो ये आयु और गति में अंतर है। अब इन 4 गतियों में जहाँ पर जीव रहता है तो एक गति से मर करके दूसरे गति में जाता है। अपन यहाँ इस गति में आए हैं, मनुष्य गति में आने के लिए तो जो 4 गति से आ सकते हैं। देव गति में तो ऐसा रहता है केवल 2 ही गति से वहाँ पर जा सकते हैं, नरक में भी 2 ही गति से जा सकते हैं, त्रियंचों में भी 4 गति से आ सकते हैं। तो एक बार जो है मर करके देव जो है पुनः देव नहीं होता, नारकी मर करके पुनः नारकी नहीं होता, देव कभी सीधा नारकी नहीं होता, नारकी कभी सीधा देव नहीं होता। ये सामान्य नियम अपन जो है इनका समझें तो इसके माध्यम से धीरे धीरे अपना आधार बनता जाएगा। अब जब कभी जीव मर करके, जैसे कोई जीव मर करके देव बना तो क्या होता है उसमें, अब देव के लिए हमने बताया है कि या तो कोई वो मनुष्य होगा या कोई त्रियंश होगा। अब ये मर करके यदि देव में जा रहे हैं तो क्या होता है उस समय में, गत्यानुपूर्वी एक कर्म होता है, नाम कर्म ही गत्यानुपूर्वी, तो उसमें देव गत्यानुपूर्वी यानी आत्मा जो है देव के लिए जा रही है वो देव गत्यानुपूर्वी कर्म कहलाता है। तो क्या होता है उसमें कि वो पूर्व के जो शरीर था उसके आकार को नष्ट किए बिना उस आकार में आत्मा को लेकर के जाता है तो वो गत्यानुपूर्वी कहलाता है। तो है नाम उसका देव गत्यानुपूर्वी लेकिन उसमें आकार कौन सा रहेगा, या तो मनुष्य का या त्रियंच का। तो वो जीव जब वहाँ पर जाएगा तो उस आकार में जाएगा और वहाँ जाने के बाद में फिर वहाँ जो उनकी देव की उपाद सैया है वहाँ पर फिर वो देव के आकार में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये तरीका रहता है, कभी भी अपन लगाएंगे इस प्रकार से तो नाम उसमें रहेगा देव गत्यानुपूर्वी लेकिन पूर्व में आकार उसके पूर्व शरीर का रहेगा। नाम से अपन उसमें भ्रमित ना हो। तो इसमें जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए मुनि श्री प्रशांत सागर जी ने दिया कि जब कोई जेल में जाता है तो जैसे कोई राजनेता है उनको भी पकड़ करके जेल में ले गए, तो जब जेल में लेकर के जाते हैं तो वो जैसे उनके घर में गए, सीएम को पकड़ करके ले गए तो सीएम को वहाँ पर बनाया बंदी और ले गए जेल में। अब जेल में जाने के बाद में फिर उनकी ड्रेस चेंज होगी तो वो वहाँ तक जो है अपनी ड्रेस में, पूर्व की ड्रेस में आएंगे, वो जेल में पहुँचने के बाद में ड्रेस चेंज हो जाती। ऐसे ही जीव
उस गति तक अपनी ही ड्रेस में आता है और फिर वहाँ पर उसकी ड्रेस परिवर्तित हो जाती है। तो जहाँ जीव पहुँचता है तो वो वहाँ पर उस गति के माध्यम से अपने आप को जानता है और वो गति नाम कर्म ही उसको एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाता है। तो चार गतियाँ होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसमें अपन गुणस्थानों को देख लें, जिससे कि अपन जब इनको लगाएंगे, क्योंकि गुणस्थान जो है मुख्य हैं, तो अपन हर जो है मार्गणा के साथ में ये 24 स्थानों में उनमें कौन कौन सा गुणस्थान संभावित रहता है, इसको यदि देख करके स्मरण में रखें तो फिर आगे अपने लिए बहुत सरल हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। तो अपन जानते होंगे कि नरक गति और जो देव गति है इनमें केवल चार गुणस्थान होते हैं। सब लोगों को समझना है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि जो मतलब पहली बार सुन रहा हो, इसमें सब लोग अच्छी धारणा बनाओ कि देव में और नरक में चार गुणस्थान वाले जीव होते हैं। यानी नरक में भी जीव जो है सम्यक दर्शन प्राप्त भी कर सकते हैं और ले भी जा सकते हैं। आप लोगों ने छठाला में पढ़ा है कि वहाँ पर पहले नरक में तो इतनी प्रथम नरक बिन षड भू ज्योतिष, उसमें पढ़ा था। तो प्रथम नरक में सम्यक दृष्टि जिसने पूर्व में आयु बांध ली थी तो वो सम्यक दर्शन के साथ में जा सकता है। तो जा रहा है और वहाँ पर सातों नरकों में जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो सातों नरकों में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो चौथा गुणस्थान भी होगा। फिर जहाँ उसने चौथे गुणस्थान को प्राप्त किया है, चौथे गुणस्थान से ही गिरते समय में दूसरा गुणस्थान बनता है तो दूसरा भी वहाँ पर होगा। और जो पहले से तीसरे में भी जा सकता है और चौथे से भी तीसरे में भी जा सकता है, तीसरे से चौथे में भी जा सकता है, तीसरे से पहले में भी जा सकता है, दूसरे से हमेशा पहले में ही जाते हैं। तो ये उनकी जो है स्थिति रहती है। तो ये चार जो है गुणस्थान देवों में भी और नारकियों में, ये केवल जो है चार गुणस्थान उनमें होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी तरह समझ में आ गया कि इनमें चार गुणस्थान कैसे होते हैं। तो मतलब कई बार लोगों के लिए, जो लोग पहली बार पढ़ते हैं, तो देवों में तो सम्यक दृष्टि समझ सकते हैं, लेकिन नारकियों में, तो नारकियों में तीसरे नरक तक तो ऐसा होता है कि कोई देव भी उनको संबोधन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उससे जो नीचे के देव हैं, जिससे नीचे के जो नारकी हैं, वहाँ पर उनके लिए सम्यक दर्शन उत्पत्ति के कारणों में बतलाया है वेदनाविभव, तीव्र वेदना के माध्यम से उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। और एक है जाते स्मरण, तो उसके माध्यम से भी वो सम्यक दर्शन सातों नरकों के, यानी चारों गति के जीव जाते स्मरण से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी नरक गति को देख रहे हैं अपन, इसलिए उसमें इस प्रकार से। तो ये दो गतियों में जो है अपन समझ गए कि इनमें चार गुणस्थान होते हैं। अब एक जो है इसमें ही प्रसंग है कि जब नरक में जाते हैं तब उस समय में दूसरे गुणस्थान में मरने वाला जीव नरक में नहीं जाता। ये थोड़ी विशेष जो है, बीच बीच में कोई कोई ऐसी चीज़ें आएंगी जिनको कि अलग से अपन अपने इसमें ध्यान में रख सकते हैं। जब नरक में जीव जाएगा तो दूसरे गुणस्थान में मर करके नहीं जाएगा, यानी पहले में जा सकता है, चौथे में सम्यक दृष्टि बता दिया, और तीसरे में मरण नहीं होता, तीसरे गुणस्थान में कभी भी मरण नहीं होता, उत्पन्न नहीं होते। तो इसलिए जो है कोई नरक में जा रहा है तो उसमें जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि मर करके जा रहा है नरक में, तो चौथे गुणस्थान में जा सकता है, पहले गुणस्थान में जा सकता है, लेकिन दूसरे गुणस्थान में नहीं जाता। क्योंकि जब नरक आयु के बारे में गुणस्थानों में जहाँ बंधन होता है, तो नरक आयु की विच्युति पहले गुणस्थान में ही होती है। तो इसलिए जो है दूसरे गुणस्थान वाला जो है सासाधन गुणस्थान मरने वाला नरक में नहीं जाता। बाकी सब जगह सही जगह जा सकता है, त्रियंश में, मनुष्य में और देवों में जा सकता है, लेकिन नरक में नहीं जाता। ये थोड़ी बात अपन उसके लिए याद रख सकते हैं। तो ये हो गया दो गतियों के बारे में। अब तीसरी गति है त्रियंश गति। त्रियंश गति में पाँच गुणस्थान होते हैं। अभी अपन ने कथानक में देख रहे थे कि उस हाथी ने अणुव्रतों को धारण किया, महावीर भगवान के पूर्व जीव ने उसने भी अणुव्रतों को धारण किया सिंह की पर्याय में। तो वानर आदि जो हैं, पशु जो हैं, वो भी अणुव्रतों को धारण करने वाले होते हैं। तो इसमें सम्यक दृष्टि भी, यानी जब पांच गुणस्थान हैं तो चौथा गुणस्थान भी होगा। तो ऐसे एक से लेकर पांच गुणस्थान तक त्रियंश गति में होते हैं। तो उसमें आप लोगों को सुन करके आश्चर्य होगा कि जहाँ देवों की जो संख्या, जो सीट्स रहती हैं वो भरने में, क्योंकि देवों की जो है संख्या असंख्यात है और मनुष्यों की संख्या संख्यात है, जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य होते हैं वो तो जो है देव बन नहीं सकते। अब मनुष्यों की संख्या संख्यात है और सीट जो है देवों की असंख्यात है, तो वो कौन भरता है?
वो अधिकतर अणु प्रति त्रियंश भरते हैं, क्योंकि उनकी संख्या असंख्यात होती है। तो वो जाकर के स्वर्ग के अणु प्रति जितने भी जो है त्रियंश हैं वो मर करके स्वर्ग में पहुंचते हैं, तो उनके माध्यम से देवों की असंख्यात जो है स्थान भरे जाते हैं। तो इसके माध्यम से सबको क्लियर हो गया कि त्रियंशों में सम्यक दृष्टि भी होते हैं, तीसरा गुणस्थान भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी जो है इस प्रकार की दूसरा गुणस्थान भी हो सकता है, पहला तो सभी जीवों का है ही, लेकिन इसमें जो भी जीव रहेंगे त्रियंश में, क्योंकि त्रियंशों में जो है विस्तार बहुत है, आगे अपन इंद्रिय आदि मार्गणा में देखेंगे, तो उसमें केवल कौन से संगी पंचेंद्री को ही ये पांच गुणस्थान होंगे, असंगी तक तो जो है कभी गुणस्थान की वृद्धि होती नहीं है। तो बस इतना ध्यान रख करके अपन ये मनुष्य गति को समझ रहे हैं, और इसके बाद में फिर है जो है नहीं त्रियंश गति को समझाया अपन ने भी, मनुष्य गति बोल दिया त्रियंश गति को। अब मनुष्य गति में जो है पूरे 14 गुणस्थान हो सकते हैं। अभी ये बात अलग है कि पंचम काल में अपने यहाँ पर केवल 7 गुणस्थान हो सकते हैं, लेकिन सामान्य से अपन मनुष्य लगाएं पूरे ढाई द्वीप के मनुष्यों की अपेक्षा से, तो मनुष्य जो है 14 गुणस्थानों को प्राप्त कर सकता है। 14 गुणस्थानों से जब ऊपर जाएंगे तो सिद्ध अवस्था जाती, तो फिर उसमें मनुष्य गति नहीं रहती, इसलिए मनुष्य गति में केवल 14 गुणस्थान होते हैं। तो ये हो गई अपनी गति मार्गणा। अब इसके बाद में दूसरी मार्गणा आती है इंद्रिय मार्गणा, यानी एक एक जीवों को जानने के लिए अपन कितने प्रकार से खोज कर सकते हैं। जिनागम में जीव की पहचान के लिए इतने सारे तरीके बताए हैं जिनके माध्यम से अपन जीव से जो है अच्छा परिचय कर सकते हैं। उससे परिचय जितना होगा फिर उतना ही अपन जो है अपने आत्मा से भी परिचय करने के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो इसलिए अब दूसरी मार्गणा है इंद्रिय मार्गणा। मार्गणा का अर्थ आपने समझ लिया ना, कि जिसके माध्यम से या जिसमें या जिसके द्वारा जीव की खोज की जाती है उसको मार्गणा कहते हैं। तो इसमें अब इंद्रिय मार्गणा है, तो इंद्रिय मार्गणा में अपन सभी लोग जानते हैं पंचेंद्रियाणी, तत्वार सूत्र का सूत्र है, पांच इंद्रियां होती हैं, तो पांच इंद्री ही जीव होते हैं उसमें, तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री। अब इसमें हमने बताया था कि जब तक असंगी रहते हैं तब तक जो है सम्यक दर्शन या गुणस्थान की वृद्धि नहीं होती, तो उसमें एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, इनके पास में केवल एक ही गुणस्थान मिथ्यात गुणस्थान ही रहता है। और पंचेंद्री जो होता है तो पंचेंद्री में 14 गुणस्थान, क्योंकि पंचेंद्री में सारे सब पंचेंद्री हो जाएंगे, उसमें मनुष्य भी है, तो यहाँ पर जो है सामान्य से लेना है, तो इसलिए उसमें पंचेंद्री में 1 से 14 गुणस्थान और 4 इंद्री तक केवल 1 गुणस्थान। तो ऐसा बिल्कुल एक एक जो है अपन उसको समझते जाएं, जिससे अपन जब बाद में उनको लगाएंगे तो फिर उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। समझ में आ रहा है सबको? यदि कुछ नहीं समझ में आए तो आप प्रश्न करिए, तब फिर आपको जो है मतलब धारणा बनेगी। तो उसमें यदि कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है कि अपने को नहीं दिमाग में आ रही है तो आप उसी समय पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन इसको समझने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने इसको समझ लिया तब आपको जो है जैन दर्शन का जो है बहुत बड़ी जो है निधि जो है 24 ठाणा है, जिसके माध्यम से कहाँ कौन जीव किस प्रकार से मरण करके कहाँ जाता है, क्या क्या होता है, सब कुछ ज्ञान इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया इंद्रिय मार्गणा बहुत सरल, जिसमें कि एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक केवल 1 गुणस्थान, पंचेंद्री में 14 गुणस्थान। अब इसके बाद में अगली मार्गणा आ रही है काय मार्गणा। काय किसको कहते हैं, कि जो अपन अपने शरीर को, चीते इति काय है, अपन अपने शरीर को जो ग्रहण करते हैं, शरीर बनाते हैं, वो काय कहलाती है। तो काय जो है, काय मार्गणा में इसके दो भेद होते हैं मुख्यतः से, एक होते हैं स्थावर काय और एक त्रस काय। अब स्थावर के जो हैं पांच भेद होते हैं, तो उसमें पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये पांच भेद होते हैं। तो स्थावर जो होते हैं वो सारे एक इंद्रिय होते हैं, तो उनके पास में केवल एक ही गुणस्थान होता है, क्योंकि एक इंद्रिय है, अपने 4 इंद्रिय तक लगा रखा है कि 4 इंद्रिय तक जब तक मन नहीं है तब तक जो है संगी पंचेंद्री के पास में, उसमें पंचेंद्री में दो भेद होते हैं, वो संगी मार्गणा के अंदर देखेंगे अपन। तो उसको सामान्य से अपन ने समझ लिया है कि 4 इंद्री तक तो एक इंद्री में, उसके पास में केवल एक ही गुणस्थान है। और त्रस जो होते हैं, द्वि इंद्रिया दयस्त्रशाह, दो इंद्री से आगे त्रस होते हैं,
तो त्रस जो है सामान्य से अपन इसमें ले रहे हैं, तो त्रस में मनुष्य भी त्रस हैं, सब त्रस हैं, तो इस अपेक्षा से त्रस में अपन देखेंगे तो उनमें 14 गुण स्थान होते हैं। अब इसमें इसी को समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा और काय मार्गणा की अपेक्षा से जल कायिक कहा, वनस्पति कायिक कहा, तो उसमें चार प्रकार से भी इनके भेद आते हैं। एक होता है सामान्य जल। सामान्य जल कैसा, जैसे आकाश से बादल से बरसा जल है वो सामान्य जल है, अभी उसमें जीव नहीं है, सामान्य जल है वो, लेकिन उसमें अंतर मुहूर्त में ही जीव आकर के उत्पन्न होंगे, क्योंकि जहाँ भी योनि स्थान बनता है और जीव जहाँ पर, क्योंकि मरण करते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, तो उनके योग स्थान बनता है वहाँ पर जीव आकर के उत्पन्न हो जाता है। तो वो जो सामान्य जल है अभी, तो वो सामान्य जल में जीव नहीं है, लेकिन उसमें जो जीव मर करके आकर के उत्पन्न होने वाले हैं उनको बोलते हैं जल जीव, यानी आ रहा है वो जीव अभी उसमें उत्पन्न होने के लिए, वो जल जीव कहलाएगा। और आकर के उसमें उत्पन्न हो गया, उसने जल को ही अपनी काया बना लिया, तो वो हो गया जल कायिक। और आपने जल को छान करके प्रासुप कर लिया, अब वो हो गया जल काय, अब उसमें जीव नहीं है, लेकिन जिसमें पहले जीव था तो उसका जो छूटा हुआ जो शरीर है वो जल काय कहलाता, उसमें जीव नहीं है। तो ये चार चीज़ें हैं, इसको अपन इसके साथ में समझ लें। जैसे क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनको मिलाया तो पानी बना, वो पानी बना है अभी इसमें, उसमें जीव नहीं है, सामान्य जल है। फिर उसमें आकर के जीव उत्पन्न हुआ, तो वो हो गया उत्पन्न होने वाला जल जीव, उत्पन्न हो गया तो जल कायक, और आपने उसको उबाल दिया तो वो हो गया जल काय। ऐसे ही अग्नि में भी होता है, आपने तीली जलाई तो वो वहाँ पर सामान्य अग्नि है, अभी उसमें जीव नहीं है, लेकिन उसमें फिर कोई जीव आकर के उत्पन्न होगा तो वो हो जाएगा अग्नि जीव, और आकर के उसमें उत्पन्न हो गया तो वो बन गई, आपने दीपक जला दिया, अब वो वहाँ पर अग्नि काय के जीव उत्पन्न हो गए उसमें। अब उसमें आप जैसे जो अग्नि जल रही थी उसको आपने उसको दबा दिया तो वो अग्नि काय, उसमें से जीव जो है निकल गए तो वो अग्नि काय हो गया, तो ऐसा रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पांच जो होते हैं वो स्थावर होते हैं, जिनके पास में केवल एक गुण स्थान होता है, और जो त्रस होते हैं उनके पास में 14 गुण स्थान होते हैं। अब अगली मार्गणा है योग मार्गणा। योग मार्गणा जिसमें अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो योग कहलाती है, क्योंकि काय वांग मनः कर्म योगः, काय वचन मन की क्रिया को योग कहते हैं, और उसी के माध्यम से आश्रव होता है। तो ये तीन जो हैं, अब तीन के ही विस्तार से कितने भेद हो जाते हैं, इनके 15 भेद हो जाते हैं। तो 15 भेदों में सबसे पहले यहाँ पर मनोयोग के बारे में लिखा, मनोयोग के चार भेद किए, क्या क्या किए, सत्य असत्य उभय अनुभय। अब इसमें सत्य जो है वो सत्य का मतलब जो सत्य है, जैसे सत्य किसी चीज का चिंतन कर रहे हैं वो सत्य मनोयोग कहलाया, या अपन कथन जो है वचन की अपेक्षा से लें तो इसमें चार प्रकार के मनोयोग है, ऐसे ही चार वचन योग हैं। तो जैसे जहाँ जल भरा हुआ है उसको देख करके अपन कहना कि ये जल है, ये क्या हो गया, सत्य वचन योग हो गया। और जब गर्मी में आप देखते हैं गाड़ी में भी चलते हुए आपको जो है सड़क पर पानी की जो है धारा जैसी दिखाई देती है, उसको बोलते हैं मृग मरीचिका, यानी उसमें ऐसा आभास होता है कि वहाँ पर पानी है, होता नहीं है, तो उसी को देख करके मृग जो है दौड़ लगाता रहता है, उस प्यास में जो है वहाँ पर पानी खोजने के लिए भागता भागता वो मरण को प्राप्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मृग मरीचिका, जो है नहीं लेकिन वहाँ पर आभास होता है। तो ऐसा जो है जहाँ है नहीं है वहाँ पर यदि अपन कहें कि वो पानी है तो वो क्या हो गया, असत्य वचन योग हो गया। अब तीसरा है उभय वचन योग। उभय में क्या है कि वो सत्य भी है और असत्य भी है, जैसे कमंडलू को घट कहना, कमंडलू को घट कहना। अब कमंडलू क्या है, कमंडलू जो है पानी भरने का कार्य करता है, तो घट का कार्य उसमें हो रहा है, इसलिए इस अपेक्षा से वो सत्य है, लेकिन घट का आकार नहीं है, गोल आकार नहीं है,
तो इसलिए वो असत्य है। तो यहाँ पर सत्य भी है और असत्य भी है, तो दोनों होने के कारण में वो उभय हो गया। और अनुभय वचन कैसे होते हैं, जैसे आचार्य कहते थे, आचार्य के पास में कोई आता था कि आचार्य आप हमारी नगरी में पधारो, तो आचार्य कहते थे देखो देखो शब्द ये अनुभय वचन है, ना तो उन्होंने हाँ कहा ना ना कहा, तो जो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है वो कहलाता है अनुभय वचन योग। तो ये चार प्रकार के वचन योग और चार प्रकार के मनोयोग। अब इनमें अपन पहले गुण स्थान लगा लें कि सत्य वचन योग कहाँ तक रहेगा, क्योंकि भगवान की वाणी जो होती है वो सत्य होती है, भगवान जो होते हैं केवली की जो वाणी होती है वो सत्य होती है, तो सत्य होती है तो वो 13वें गुणस्थान तक सत्य वचन योग होता है। पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक सत्य वचन होता है। और भगवान की वाणी अनुभय भी होती है, अनुभय वाणी के भगवान की जो वचन हैं वो अनुभय वचन भी कहे जाते हैं, तो वो अनुभय वचन योग भी जो है कहाँ तक रहेगा, पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक। इन्हें गुणस्थान को भी समझना है अपने को इसके साथ साथ, क्योंकि अपन हर जगह लगा रहे हैं, उनको याद में रखेंगे तो अपने लिए वो जो है बहुत सरल हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि सत्यवाणी, आप देखते हो तीर्थंकर की वाणी 6वें 7वें गुणस्थान में नहीं खिरती, वो किसी गुणस्थान में खिरती है तो वो 13वें गुणस्थान में खिरती है। तो उससे अपन समझ लो भगवान की वाणी 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर की खिरती है, तो उनके वचन सत्य और अनुभय होते हैं, तो 13वें गुणस्थान तक जो है सत्य और अनुभय वचन योग होता है। और वचन जो होते हैं वो मनपूर्वक होते हैं, अपन जो बोल रहे हैं कोई भी बात कह रहे हैं तो मनपूर्वक ही बोल सकते हैं तभी सही हो सकता है, नहीं तो फिर यदवा तदवा कुछ का कुछ हो जाए। तो इसलिए अपन जो बोलते हैं वचन योग जो अपना होता है वो मनोयोग पूर्वक होता है, इसलिए भगवान का भी वो मनोयोग वहाँ पर स्वीकार किया जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मन का कार्य वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर क्या है, भगवान के पास में द्रव्य मन तो है, द्रव्य मन जो हृदय में 8 पाखड़ी वाला जो कमलाकार होता है वो तो वहाँ पर है, लेकिन भगवान के पास में भाव मन नहीं है, भाव मन से ऊपर उठ चुके हैं भगवान, क्योंकि उनका जो 6 संभाव खत्म हो गया, अब 6 भाव आ गया है। तो द्रव्यमन होने के कारण, और होता क्या है कि जो द्रव्यमन है उसकी बरगणाएँ वहाँ पर आती हैं, तो इसलिए उनका जो है वहाँ पर मनोयोग स्वीकार किया जाता है। तो इसके माध्यम से यानी उनका मनोयोग भी जो है उभय अनुभय मनोयोग और अनुभय वचन योग, ये भी 13वें गुणस्थान तक दोनों रहेंगे, यानी वचन भी और मनोयोग भी दोनों वहाँ तक रहेंगे। सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग, इसी प्रकार से सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग, ये दोनों जो है 13वें गुणस्थान तक। अब इसके बाद में असत्य देखें अपन, तो असत्य कहाँ तक रहेगा, 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक जो है पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है असत्य की संभावना 12वें गुणस्थान तक है। तो असत्य वचन योग भी और असत्य मनोयोग भी, ये भी 12वें गुणस्थान तक। और उभय क्या है, उभय में सत्य भी है और असत्य भी है, इसलिए ये भी जो है 12वें तक रहता है। अब इसमें चारों में जो है अपने चारों गुणस्थान क्लियर हो गए, 1 से 12 तक, 1 से 12 तक कौन कौन से, असत्य और उभय, और 13 तक जो हैं सत्य और अनुभय, ये हो गए। अब इसमें एक और बात समझें अपन कि जो अनुभय वचन योग होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, कौन सी इंद्री से प्रारंभ होता है, क्योंकि एक इंद्री के तो वचन नहीं होते, लेकिन 2 इंद्री जीव के वचन होते हैं, 2 इंद्री जीव के वचन होते हैं। हाँ, जहाँ से जिह्वा आई कि वहीं से वचन प्रारंभ। आचार्य अकलंग देव से पूछा के वक्तारः, कौन है बोलने वाले, तो उन्होंने कहा 2 इंद्रियादयः, 2 इंद्री से सब जो है वक्ता हो गए, क्योंकि जिह्वा आई और जिह्वा का काम क्या रहता है, हिलाना, 2 ही काम रहते हैं, चखना और बकना, तो वो जो अपनी जिह्वा का प्रयोग करते हैं, हिलाते भी हैं तो उससे आवाज़ होती है, 2 इंद्री जीभ की जो है थोड़ी थोड़ी वहाँ पर जिह्वा हिलाने से आवाज़ होने लगती है, तो उनके वचन जो हैं उसमें आवाज़ होगी लेकिन अपने को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ है लेकिन क्या है ये क्लियर नहीं है, इसलिए उनके भी अनुभव वचन होते हैं। तो अनुभव वचन कहाँ से प्रारंभ होंगे,
दो इंद्री जीव से प्रारंभ होकर के 13वें गुणस्थान तक जाएंगे। यहाँ पर मैंने ले रहे हैं, यहाँ पर अपन इंद्री और लेकर के जा रहे हैं गुणस्थान तक, तो ये भी कभी कभी रेंज ऐसी चलती है। तो इससे समझ में आ गया कि दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, चींटी भी है, उसके भी जो है अपनी जिब्बा लाएगी, कुछ ना कुछ आवाज़ होगी। मच्छर के जो है भनभनाहट की आवाज़ आती है, वो उसके मुख से नहीं आती। अपन कहते हैं मच्छर जो है आवाज़ कर रहा है, मच्छर आवाज़ जो है मुख से नहीं करता, वहाँ पर तो उसके पंखों के हिलाने से आती है। लेकिन अपन उसको मच्छर के लिए अपन कह देते कि वो भिनभिना रहा है, भिनभिना रहा नहीं, वहाँ पे तो उसके पंखों के कारण आती है। उसकी जिब्भा से भी कुछ आवाज़ हो सकती है, लेकिन जो आवाज़ अपने कानों में आती है वो उसके पंखों की रहती है। तो वो वहाँ पर अन्वय वचन योग में नहीं है। फिर चार इंद्री जीव है, चार इंद्री जीव जैसे जो भ्रमर है, तो भ्रमर के भी जो है वहाँ पर पंखों की आवाज़ आती है, पर जहाँ पर वो अपने मुख से कहीं पर जो है वो करे लकड़ी में छेद वगैरह, तब उसके मुख से वहाँ पर जीभ के जो है वहाँ पे उसके दांत आदि से आवाज़ आती होगी, तो वो जो है मुख की आवाज़ कहलाएगी। तो ऐसे सब जीवों की जो है असंगी पंचेंद्री तक जो आवाज़ होती है वो अनुभव वचन के चलते रहते हैं। तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना है, है? मनोयोग नहीं है उनका, मनोयोग नहीं है वहाँ पे, वहाँ पर तो असंगी के पास में। हाँ, नहीं इसमें तो मनोयोग भी हो सकता है, कोई बोल नहीं रहा है तो मनोयोग भी रहेगा, उसमें क्या बड़ी बात है। मनोयोग के लिए जैसे सत्य के बारे में अपन विचार कर रहे हैं तो सत्य मनोयोग हो गया, जहाँ पर उस पानी को देखा, जहाँ पर वो दिखाई दे रही है धारा गर्मी में, तो अपन उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि ये सत्य है कि असत्य है, तो वहाँ पर वो जो है पानी उसको अपन समझ रहे हैं तो वह सत्य मनोयोग हो गया। इस प्रकार से चारों घटित होंगे। तो ये जो है सत्य असत्य और उभय अनुभय, इसमें समझ में आ गया केवल एक वचन योग के लिए जो असंगी के पास में भी होता है, दो इंद्री से चालू होता है, वो वहाँ से अपने को लेना है, उसको विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में ये वचन योग पूर्ण हो गया, अब आ रहा है काय योग। अब काय योग में क्या क्या होता है, काय योग के हैं सात भेद। तो सात भेद में सबसे पहले दिया है कौन सा, कार्मण काय योग। कार्मण काय योग यानी जब जीव मरण करके विग्रह गति में रहता है उस समय में उसके पास में काया नहीं है, स्थूल काया नहीं है, वचन भी नहीं है, मन भी नहीं है, तब उस समय में उस कार्मण शरीर के माध्यम से उसके आत्मा में परिस्पंदन होता है और उसके कारण में उसके कर्मों का आश्रव चलता रहता है, कर्मों का आश्रव जीव का कभी नहीं रुकता। तो उस समय में जब जीव नए शरीर को धारण करने के लिए विग्रह गति में जाता है और कार्मण शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है उसे कार्मण काय योग कहते हैं। अब ये कार्मण काय योग कब कब होता है, तो उसमें गुणस्थान की अपेक्षा से अपन देखें तो पहले गुणस्थान में मरण होता है, दूसरे गुणस्थान में भी मरण होता है, तीसरे गुणस्थान को अभी हमने निषेध कर दिया, तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, चौथे गुणस्थान में भी मरण होता है। तो मरण के जो हैं अपेक्षा से एक दो चार, बस ये चार गुण, तीन गुणस्थान हैं। और क्या होता है कार्मण योग के लिए, कि जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं, केवलियों का समुद्घात होता है, समुद्घात के लिए जिसमें आयु कर्म तो अंतर्मूर्त बचा है लेकिन बाकी जो तीन कर्म हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको आयु कर्म के बराबर करने के लिए समुद्घात करते हैं, तो उसमें आत्मा के प्रदेशों को बाहर फैलाया जाता है, वो समुद्घात कहलाता है। जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हो और कपड़े को निचोड़ने के बाद में उसको फटकारते हो तो जहाँ जहाँ पानी फंसा रहता है वो सब उससे झड़ जाता है, तो ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों को बाहर फैलाना वो समुद्घात कहलाता। तो उसमें समुद्घात की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले दंड बनता है, तो दंड यानी अपन जैसे खड़े हुए हैं जो केवली, तो वो उस समय में यदि खड़े हुए हैं तो खड़े में क्या रहता है, शरीर जो है अपना रहता है वो एक, मतलब समझो वो बैठने में तिगुना हो जाता है, यानी अपनी जो पैर फैल जाते हैं ना यहाँ पे, तो ये तिगुना हो जाता है, खड़े होने में जो रहता है उससे तिगुना जो है आकार इसमें बैठने में लगता है। तो यदि खड़े होंगे तो वो दंड के आकार में उनकी जो है जितना खड़े में उनका घेर रहा है शरीर उतना रहेगा, बैठने में ये तिगुना फैलता है, तिगुना हो जाता है। तो तिगुने जो हैं जितना अपने पूरा इसका जो कहना चाहिए जो मैंने पेरीफेरी है उसकी,
तो उतना जो है पूरा एक दंड बन जाता है, अपनी आत्मा के प्रदेश ऊपर और नीचे पूरे लोक में 14 राजू तक जो है ऐसा दंड बन जाएगा। फिर अगली बार क्या होगा, कपाट, तो उसमें दोनों दिशाओं में, जैसे इस दिशा में बट के मुँह करके बैठे हैं तो इस और इस दिशा में वहाँ पर जो है आत्मा के प्रदेश, तो यानी पूरे लोक को दो भाग में बांटने वाली एक दीवार खड़ी हो जाएगी, उसको बोलते हैं कपाट, वो आत्मा के प्रदेशों की पूरी बन जाएगी। फिर इसके बाद में होता है प्रतर, तो प्रतर में क्या होता है पूरे लोक में फैल जाते हैं, लेकिन अभी जो तीन वात वलय हैं उनमें आत्मा के प्रदेश नहीं फैले हैं, और अगले समय में उस वात वलय में भी आत्मा के प्रदेश चले जाते हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में फिर वो लौटते हैं वापस, जैसा फोल्डिंग खोली आपने और फिर वैसे ही इसको फोल्ड कर दो, तो जैसे वहाँ से पहले जो है लोक के अंदर आए, बात वाले को छोड़ा, फिर बात वाले के बाद छोड़ने के बाद में दीवाल बने, दीवाल के बाद में खंबा बने, खंबे के बाद में फिर उसका फोल्ड हो गया, अंदर आत्मा के प्रदेश उन्हीं के शरीर के अंदर चले गए। तो ऐसे 8 समय में वापस उनके प्रदेश लौट करके आ जाते हैं। तो जब जिस समय में वो प्रतर और लोक पूर्ण होता है, यानी दंड के बाद में जब वो प्रतर करते हैं और प्रतर के बाद में लोक पूर्ण करते हैं, लोक पूर्ण के बाद में फिर प्रतर करेंगे, तो इस समय में क्या रहता है, उनका कारमण का योग होता है। शुरू में जो है वहाँ पर जब अवस्था रहती दंड तक, वहाँ पर वो कहलाता है औदारिक, उसके बाद में जब दंड से कपाट होता है तो औदारिक मिश्र होता है, और इसमें जो है कार्मण का योग होता है। तो अभी अपन कार्मण का योग को समझ रहे हैं, तो कार्मण का योग कहाँ कहाँ पर होता है अपने देखा, 1, 2, 4 गुणस्थान में, और प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात में कार्मण का योग होता है। तो ये इसको अपन ध्यान रखें, जब भी कार्मण का योग आएगा तो उसमें इन इन जगह पर उसको अपन लगाएंगे। अब इसके बाद में दूसरा जो है काय योग है औदारिक काय योग। औदारिक काय योग में क्या है, पहले उसके औदारिक मिश्र, क्योंकि पहले शुरुआत की अवस्था में जब जीव जन्म लेता है तो औदारिक मिश्र होता है। तो यहाँ पर जैसे कोई जीव देव जो है मर करके मनुष्य बनने के लिए आ रहा है, तो उसने जैसे ही वहाँ के शरीर को छोड़ा और उसकी आत्मा ने जहाँ पर जब वो शरीर से छूटी तो उसका कार्मण का योग चालू हो गया, और जब वो जहाँ पर उत्पन्न होना है, जहाँ माता के गर्भ में आता है वहाँ पर, तो उस समय में क्या हुआ था, पहले वो उसका कार्मण का योग चल रहा था, और उसके बाद में फिर वो जो है अपने शरीर को बनाने के लिए औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करने लगा, तो दो चीज़ें जहाँ पर मिश्र हुई तो उसको बोलते हैं औदारिक मिश्र। तो जहाँ पर कार्मण का योग और औदारिक शरीर बनाने के लिए जो औदारिक मिश्र वर्गणाएँ आ रही हैं, तो उसके माध्यम से वो वहाँ पर जो है औदारिक मिश्र होता है। तो यहाँ पर जीव की कार्मण वर्गणाओं के साथ में मिश्रित औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण होता है, इसको बोलते हैं औदारिक मिश्र का योग। अब ये कितनी देर तक समय तक चलता है, केवल मात्र जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। 6 पर्याप्तियाँ होती हैं, तो 6 पर्याप्तियाँ में जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तभी तक उसको जो है अपर्याप्त कहते हैं, फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर उसको पर्याप्त कहते हैं। तो कौन कौन सी पर्याप्तियाँ होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, फिर भाषा, हाँ, फिर श्वासोच्छ्वास और मन, हाँ, ऐसी पर्याप्तियाँ होती हैं। तो ये क्या होती हैं पर्याप्तियाँ, अपने शरीर को बनाने के लिए शक्तियाँ होती हैं, वो शक्तियों को जीव प्राप्त कर लेता है तो उसके माध्यम से उसका शरीर बनता है और आखिरी तक वो उसको चलाने में समर्थ होता है। और जिनके पास में ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती वो जो है वहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो अपर्याप्त कहलाते हैं। तो इसमें एक उदाहरण के रूप से अपन समझना चाहें कि जहाँ कोई मकान बनाता है तो मकान बनाते समय में क्या होता है, मटेरियल आता है, तो जो मटेरियल आता है वो हो गया आहार, है ना, वो आहार हो गया। अब उस मटेरियल से क्या किया कि आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया, तो स्ट्रक्चर खड़ा किया तो ये हो गई शरीर पर्याप्ति। फिर शरीर पर्याप्ति के बाद में इंद्री, तो उसमें क्या करते हैं, बीच बीच में खिड़कियों दरवाजों के लिए स्थान छोड़ देते हैं, तो फिर उनका जो है निर्माण करते हैं, तो वो हो गई इंद्री पर्याप्ति। तो इसके बाद में क्या होता है, श्वासोच्छ्वास के लिए, तो वहाँ पर वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन होता है उससे हवा आती है, तो वो हो गया श्वासोच्छ्वास के लिए। फिर इसके बाद में भाषा, तो भाषा के लिए आप लोग
फ़ोन है, डोरवेल है, ये सब लगाते हैं, तो ये हो गया उसके लिए भाषा के लिए। और मन के लिए तो एक जो है आई डोर आता है, डोर के अंदर जो है देखने का, कि आप अंदर से तो बाहर देख सकते हो लेकिन बाहर वाला आपको नहीं देख सकते। तो मन का भी ऐसे ही काम है, आपके मन में क्या है बाहर वाला कुछ नहीं जानता, आप सब कुछ जानते हो लेकिन बाहर वाला नहीं जानता। तो वो आई डोर को जो है अपन इसके रूप में, उदाहरण के रूप में रह सकते हैं। तो ऐसी जो छह जो हैं शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनके माध्यम से जीव अपना शरीर आदि बनाता है। तो जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक ये औदारिक मिश्र काय योग रहता है। तो शुरुआत में जब बिल्कुल थोड़ी सी अवस्था में, हर जीव को होता है, पहले जब आएगा रस्ते में तब कार्मण काय योग, शुरुआत में जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक वो औदारिक मिश्र, और जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई फिर पूरे जीवन पर्यंत औदारिक काय योग चलेगा। औदारिक काय योग, अपना शरीर औदारिक है, मनुष्य और त्रियंशों का दोनों का शरीर औदारिक है, उसके माध्यम से पूरे जीवन पर्यंत जो उनका जो कार्य चलता है वो औदारिक काय योग के माध्यम से चलता है। तो ये हो गया औदारिक मिश्र काय योग और औदारिक काय योग। अब इसके बाद में वैक्रियक मिश्र काय योग लगाएं तो अब ज़्यादा कठिन नहीं है। कोई जीव चाहे वो मनुष्य हो चाहे त्रियंश हो, मर करके देव बन रहा है तो रस्ते में कार्मण काय योग रहेगा, वहाँ पर पहुँचेगा, जब तक वो वहाँ पर शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता तब तक उसका वैक्रियक मिश्र काय योग होगा। और फिर जीवन पर्यंत, 33 सागर की आयु है सर्वार सिद्धि में, तो वहाँ पर शुरुआत में थोड़े समय में जो है अंतर्मूर्त के लिए वहाँ पर जो है वैक्रियक मिश्र काय होगा और जीवन पर्यंत उसका वैक्रियक काय होगा। तो ऐसे जो हैं वैक्रियक मिश्र काय योग और वैक्रियक काय योग हो गए। अब इसके बाद में एक होता है आहारक मिश्र काय योग। आहारक मिश्र काय योग, जो मुनिराज के मन में शंका उत्पन्न होती है कुछ प्रश्न आदि की, उनके सिर से जो निकलने वाला एक हाथ का पुतला होता है उसका जो ये योग है वो वहाँ पर आहारक काय योग कहलाता है। तो उसमें पहले जब वो बनता है शरीर तो वो आहारक मिश्र काय योग कहलाता है। तो उस समय में जब आहारक वर्गणाओं के साथ में, यानी औदारिक वर्गणाएँ, क्योंकि औदारिक शरीर तो है मुनिराज का, तो औदारिक और आहारक की जहाँ पर मिश्रण प्रारंभ हुआ और शरीर पर्याप्ति, यानी उस शरीर की पर्याप्तियाँ जो औदारिक आहारक शरीर बन रहा है उसकी जब तक पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वो आहारक मिश्र कहलाएगा। और उसके बाद में जब तक वो जो है पूरा रहेगा, लौट करके नहीं आ जाएगा क्योंकि अंतर्मूर्त का काम रहता है उसका, तब वो कहलाएगा आहारक अकेला, आहारक का योग। अब आहारक का योग के बारे में एक और थोड़ा सा, कि आहारक का योग एक साथ में 54 हो सकते हैं, यानी एक साथ में पूरे ढाई द्वीप में 54 मुनिराजों के आहारक पुतला 54 निकल सकते हैं, मैक्सिमम निकलेंगे तो 54 निकल सकते हैं। और आहारक मिश्र का योग यदि होंगे एक समय में तो वो 27, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये जो है जीव कांड में मिश्र का 27 है और निकले हुए शरीर जो हैं एक साथ में 54 हो सकते हैं। तो ये जीव कांड में इसका वर्णन आया। अब इनके गुणस्थानों को यदि अपन देखें तो कार्मण काय योग के गुणस्थानों को हम पहले आपको बता चुके हैं, कौन कौन सा, पहला, दूसरा, चौथा, और साथ साथ में 13वें गुणस्थान में समुद्घात होता है तो 13वां भी लेना है उसको। और औदारिक मिश्र काय योग के लिए पहला, दूसरा, चौथा और 13वां भी, क्योंकि इसमें भी जो है जब उनका दंड के बाद में कपाट होता है समुद्घात में तब उस समय में भी वहाँ पर उनका औदारिक मिश्र होता है, केवलियों का भी, तो उनका भी, यानी जब जीव उत्पन्न होगा तो वो पहले गुणस्थान में आ सकता है, दूसरे गुणस्थान में आ सकता है और चौथे गुणस्थान में भी आ सकता है, और साथ साथ में समुद्घात की अपेक्षा से 13वां गुणस्थान। फिर औदारिक काय योग रहेगा तो औदारिक काय योग कहाँ तक रहेगा, पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक, क्योंकि मुनिराज जो हैं 6वें 7वें 8वें आदि गुणस्थानों में सब में औदारिक काय योग बना रहेगा। तो पहले से लेकर 13वें तक औदारिक काय योग रहेगा। वैक्रियक मिश्र काय योग में पहला, दूसरा, चौथा, तीसरे को कभी नहीं लेंगे मिश्र में, क्योंकि तीसरे में मरण नहीं होता, उत्पन्न नहीं होते, तो पहला, दूसरा, चौथा। और वैक्रियक काय योग में पहले से चौथे तक, क्योंकि चौथे गुणस्थान से ऊपर देव नारकी नहीं होते, इसमें नारकी भी आएंगे क्योंकि दोनों के पास में वैक्रियक शरीर होता है। इसके बाद में आहारक मिश्र हो चाहे आहारक हो, दोनों कब रहेंगे, 6ठे गुणस्थान में। आप लोग तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं प्रमत्त संयतस्येव, प्रमत्त संयत के अलावा आहारक शरीर कहीं नहीं होता। उसका बंधन तो वो जो है ऊपर के गुणस्थान में कर सकते हैं
लेकिन उसका बनने का जो कार्य होता है, निकलने का कार्य होता है, वो केवल प्रमत्त संयत को ही होता है। तो वो छठे गुणस्थान में ही आहारक कायोग और आहारक मिश्र काय होंगे। तो ये हो गए गुणस्थान संबंधी सारा योग का। तो है औदार्य मिश्र का जो ना पहला, दूसरा, चौथा और तेरवा, क्योंकि मिश्र है तो मिश्र में तीसरा नहीं होगा। हाँ, इसी प्रकार से बैक्रियक में भी, लेकिन बैक्रियक में जो है पहला दूसरा चौथा ही रहेगा, तेरवा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर केवली के पास में औदार्य शरीर है, बैक्रियक शरीर नहीं है, इसलिए उसमें नहीं होगा। ठीक है, ये योग संबंधी हो गया। अब अपने को ये जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो अपन इनका जो है अपन उसमें जब आएगा वहाँ 24 स्थान लगाएंगे तो उसमें इसको लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी लोगों के चेहरों को देख करके ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अभी जो है अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको जो समझ में नहीं आए पूछो, प्रश्न पूछोगे तो क्लियर होगा, नहीं तो जो है अपन जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा 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 क्या, इसको अच्छे से समझो ना। हाँ वो तो है, लेकिन ये इसमें अपन अभी ज़्यादा चीज़ आगे नहीं बढ़े अभी अपन ने, तो अब फिर से हम उसको समझाते हैं। सुनो, मन वचन काय तीन योग हैं, मन वचन काय तीन योग हैं। अपन ने लगाए मन के चार भेद होते हैं, वचन के चार भेद होते हैं। अब मन के चार भेद में सत्य असत्य उभय अनुभय, वचन में भी सत्य असत्य उभय अनुभय। अब इनमें हमने बताया था कि अपन याद रखो कुछ कुछ चीज़ों से कि जब भगवान की वाणी खिरती है वो सत्य और अनुभय वचन कहलाते हैं, तो उनका गुणस्थान हो गया पहले से लेकर 13 तक। तो योग जो रहेगा वो कहाँ तक रहेगा? 13 तक ही रहेगा, क्योंकि 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली, अयोग केवली, उनको 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। गुणस्थानों के नाम भी जो है अपने को याद रखना पड़ेंगे, तो वो भी अपने को धीरे धीरे यदि प्रयास करेंगे तो सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हम भी जब शुरुआत में पढ़ते थे तो ये सब चीज़ें कठिन लगती थी, लेकिन धीरे 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 प्रयास करते करते सब चीज़ें जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो उसमें अयोग केवली जो है 14वां गुणस्थान है, तो वहाँ योग नहीं होगा, तो कहाँ तक रहेंगे? 13वें तक ही योग रहेंगे। तो उसमें सत्य और उभय, सत्य और अनुभय, ये जो हैं 13वें गुणस्थान तक हैं। अब हमने ये बताया कि जो वचन योग अपना होता है वो मनोयोग पूर्वक होता है, तो केवली में भी वो माना जाता है, वास्तव में उनका मनोयोग नहीं है, लेकिन चूंकि ये वचन जो होते हैं मनोयोग पूर्वक होते हैं, और उसमें दूसरा हेतु दिया कि उनका भी शरीर तो है पूरा उनका, और शरीर में उनका हृदय भी है, तो हृदय के योग के वर्गणाएँ जो हैं आती रहती हैं, इसलिए उनका वो जो है मनोयोग स्वीकार किया जाता है। वैसे वास्तव में उनका जो है भाव मनोयोग नहीं होता। अपन इसमें लगाएंगे तो उनको लगाएंगे कि हाँ इनका मनोयोग है, ऐसा करके अपन उसको चलेंगे। हाँ, अभी जो है ये हो गए अनुभव वचन योग, भगवान की वाणी अनुभव वचन योग होती है। जैसे भगवान ने कहा ये है, अब ये है जैसे किसी को कहा अपन ने, तो उसमें जो है सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, इसके लिए ये देखो कहना ये अनुभव कहला, अनुभव वचन कहलाता है। जैसे किसी का नाम इधर आओ, तो अब किसको बुलाया, कोई सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, तो ये जो है अनुभव वचन के लिए कहा जाता है। जैसे आचार्य जी का उदाहरण दिया था उसमें कि जैसे कोई कभी किसी से काम के लिए बोलते हैं आप ये काम कर लेना, हाँ देखते हैं, तो उन्होंने हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की, तो ये जो है अनुभव वचन कहलाते हैं। तो ये हो गया। अब शुरुआत के लिए हमने क्या बताया था कि अनुभव वचन जो प्रारंभ कहाँ से होते हैं? दो इंद्री से, क्योंकि दो इंद्री के पास में जिह्वा आ जाती है, और जब से जिह्वा आ जाती है तब से उसके वचन प्रारंभ हो जाते हैं। अब उस समय में जैसे गिलहरी है, गिलहरी की जो है आवाज़ होती है, अब अपन उसको नहीं समझ पाते, गिलहरी लोग आपस में अपनी आवाज़ समझ लेती हैं लेकिन अपन लोग नहीं समझ पाते, तो वो अपने लिए जो है उनका अनुभव वचन, यानी कुछ आवाज़ तो है लेकिन क्या है ये क्लियर नहीं है, तो वो अपने लिए अनुभव वचन के समान रहती है। तो अनुभव वचन जो है दो इंद्री से प्रारंभ हो जाते हैं। अब आया असत्य का, तो असत्य क्या रहता है? जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक असत्य है, तो 12वें गुणस्थान तक असत्य है, तो वो पहले गुणस्थान से। और ये बात ध्यान रखो, जहाँ तक असत्य जो है वो संगी में ही प्रारंभ होगा, असंगी में असत्य नहीं होता, सत्य और असत्य दोनों जो हैं वो संगी में ही होंगे, असंगी जो है असत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि मन नहीं है, जब तक मन नहीं है तो झूठ भी नहीं बोल सकते, मतलब झूठ के लिए सत्य के लिए दोनों के लिए संगी होना जरूरी है, मन जरूरी है उसमें।
तो वो जो है जहाँ अपन सत्य वचन योग को प्रारंभ करेंगे तो वो कहाँ से प्रारंभ होगा, संगी से प्रारंभ होगा, पहले गुणस्थान से, असंगी में नहीं होगा। और असत्य भी जो है पहले गुणस्थान से संगी से ही प्रारंभ होगा, शुरुआत की अपेक्षा से। पांचवा गुणस्थान नहीं, पांचवा गुणस्थान हाँ, एक इंद्री में नहीं होता, एक इंद्री में जो है केवल काय योग होता है। हाँ, दो इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक, असंगी पंचेंद्री तक केवल अनुभय उसकी अपेक्षा से, बाकी तो आगे भी है लेकिन अभी यहाँ पे जो इनके पास में केवल केवल अनुभय है, बाकी के पास में और भी हैं उस अपेक्षा से। फिर वहाँ पे अपन ऊपर चलेंगे तो दो जो है दो इंद्री से लेकर के तेरहवें गुणस्थान तक अनुभय वचन होता है, ऐसा विस्तार से लेंगे तो ऐसा जाएगा। फिर क्या बचा, काय योग। अब काय योग के विस्तार कितने हैं, सात हैं। एक है कार्मण काय योग। कार्मण काय योग किसको कहते हैं, जब जीव मर करके एक गति से दूसरी गति के बीच में जाता है, विग्रह गति। आप कहते हैं विग्रह गतौ कर्म योग, विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है। उस समय में स्थूल शरीर नहीं है उसके पास में, शरीर भी नहीं है, वचन भी नहीं है, मन भी नहीं है, फिर उसका कैसे काम चलता है, तो उस समय में कार्मण शरीर रहता है। तो कार्मण शरीर के कारण में उसके आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसके कारण में कर्म का बंधन वहाँ भी चलता रहता है, जीव के भाव वहाँ भी होते रहते हैं और उसके माध्यम से कर्म का बंधन होता है, तो वो कार्मण काय योग कहलाता है। जब कार्मण काय योग पूर्ण हुआ, जीव जहाँ पर उत्पन्न होने वाला है वहाँ पर पहुँचता है, तो फिर वहाँ पर वो अपने शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है। तो जब वो वर्गणाओं को ग्रहण करता है, अभी कार्मण काय योग था और वहाँ पर जो है वर्गणाओं को अपने शरीर को बनाने ग्रहण करने लगा, दोनों का जहाँ मिश्रण हुआ तो वहाँ पर मिश्र आ गया। अब यदि वो देव और नारकी है तो वो वैक्रियक मिश्र हो गया, और यदि वो त्रियंश और मनुष्य है तो वो उदारिक मिश्र हो गया। अब वो कब तक रहेंगे, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, यानी शरीर को बनाने की क्षमता की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक बहुत थोड़ी सी देर के लिए, पता नहीं पड़ पाएगा, अंतर्मुहूर्त में ही जो है पूर्ण हो जाता है वो। अंतर्मुहूर्त में सारी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती हैं, और सारी पर्याप्तियाँ भी एक एक अंतर्मुहूर्त की रहती हैं उसमें, लेकिन बड़ा अंतर्मुहूर्त छोटे अंतर्मुहूर्त में अंतर की अपेक्षा से। तो वो जो जैसे ही उसकी शरीर पर्याप्तियाँ पूर्ण हुई, फिर उसके बाद में उसका जीवन जब तक चलता है तब तक वो जो है या तो देव और नारकी में वैक्रियक कायोग होगा, और मनुष्य और त्रियंशों में औदारिक काय हो गया। तो ये हो गए औदारिक मिश्र और वैक्रियक मिश्र और वैक्रियक, ये चार हो गए। अब इसके बाद में है आहारक शरीर, जिसके बारे में बताया कि मुनिराज के मन में यदि संदेह होता है और यदि उस समय कोई केवली आदि नहीं है तो उनका एक पुतला मुख से यानी सिर से निकलता है वो कहलाता है आहारक शरीर। सिर से निकलता है, मुख से नहीं, सिर से निकलता है। कंधे वाला तो वो उनका है, वो जो शुभ और अशुभ तेजस का, वो जो है दूसरे में, लेकिन ये सिर से निकलता है। तो इसमें जो पुतला निकलता है उस पुतले का बनना भी होता है, तो जब वो बनता है तब उस समय वो कहलाता है आहारक मिश्र, और निकलता है तब वो कहलाता है आहारक कायो। तो उसमें भी जब तक उसकी शरीर पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक वो आहारक मिश्र कहलाता है, और उसके बाद में निकलते समय तक जो है पूरा वो आहारक कायो कहलाता है। उसमें बता दिया दो संख्याओं के कि आहारक मिश्र जो होंगे वो 27 हो सकते हैं एक साथ में मुनिराजों के, और आहारक कायो 54 एक साथ में हो सकते हैं। अब इनमें गुणस्थानों के लिए फिर से कि औदारिक मिश्र का योग पहले गुणस्थान में, दूसरे में, चौथे में, तीसरे में मरण नहीं होता इसलिए वो नहीं रहेगा, और तेरहवें गुणस्थान में समुद्घात की अपेक्षा से। समुद्घात में जब उनका दंड निकलता है तब औदारिक का योग होता है, फिर उसके बाद में जैसे ही कपाट बनता है तो उस समय में वो मिश्र होता है, उसके बाद में जब प्रतर और लोकपूर्ण होते हैं तो वो कहलाता है कार्मण का योग। तो ऐसे तीनों योग उसमें होते हैं, इसलिए उनको भी अपन उसमें याद रख करके, तो यहाँ पर जो है औदारिक मिश्र का योग देखेंगे तो पहला, दूसरा, चौथा, तेरहवा। औदारिक का योग देखेंगे तो पहले से तेरह तक। फिर वैक्रियक मिश्र देखेंगे तो पहला, दूसरा, चौथा, और वैक्रियक का योग देखेंगे तो पहले से चार तक। औदारिक आहारक का योग छठे में, और आहारक मिश्र का योग छठे में, दोनों छठे में ही होते हैं। इस प्रकार से ये काय योग को अपन ने समझा, धीरे धीरे चलेंगे। आप लोग जो है नहीं समझ में आए तो प्रश्न करो, प्रश्न करोगे तो समझ में आएगा। ये बहुत ये कह सकते हो कि एक बार यदि इस चीज़ समझ में आ गई, आप इसको जितना पढ़ा है उसको बार बार जो है उसको बैठाने की कोशिश करो। जो समझ में नहीं आए पूछो, शाम के समय में यही प्रश्न पूछो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसमें क्लियर होगा। बार बार जो है करोगे तो एक बहुत अमूल्य निधि आपको प्राप्त इसके माध्यम से हो सकती है।